बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अकीला यामीन। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक और ईद स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्पेशल बारबेक्यू चिकन बिरयानी। तो इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम कुछ मसाले ग्राइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी तो ये मैं आपको बता देती हूँ। साबुत लाल मिर्चें ली हैं मैंने 14 अदद। बादियान का फूल लिया है 1 अदद। 2 मैंने दालचीनी की स्टिक्स ली हैं। साबुत धनिया लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। ज़ीरा मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। साबुत काली मिर्च ली है मैंने 12 अदद। लौंगे लिए हैं मैंने 8 अदद। कबाब चीनी ली है मैंने 20 अदद। तो इन सारे मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो इस सारे मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये मसाला तैयार है। तो इस मसाले को मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी और कहाँ कहाँ यूज़ करूँगी ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। तो मैंने एक बाउल में 4 टेबल स्पून दही लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और जो पिसा हुआ मसाला था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक लिया है मैंने 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। रेड फूड कलर मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून और लेमन जूस मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। तो मैंने 1 किलो चिकन ली है और जिसके मैंने पीसेस बड़े रखवाए थे। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो आधा घंटा हो चुका है चिकन को फ्रिज में रखे हुए। तो अब मैंने एक पैन में 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है और फ्लेम को मैंने मीडियम हीट पर ऑन कर दिया है। तो जो मैंने मैरिनेट की हुई चिकन थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अब मैं इसको सिर्फ 2-3 मिनट तक तेल में फ्राई करूँगी इस तरीके से। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और इसको कवर कर दिया है। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी जब तक चिकन गल ना जाए। तो मैंने इसका कवर हटा दिया है और चिकन गल चुकी है। तो मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई पर कर दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी ताकि इसका सारा पानी जल जाए। तो ये अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब मैं इसमें कोयले की धुनी दूंगी। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, कोयले की धुनी मैंने इसके अंदर दे दी है और ये चिकन तैयार हो चुकी है। तो ये कोयला मैंने अलग कर दिया है। अब मैंने एक पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं प्याज ऑलरेडी फ्राई कर चुकी हूँ, तो वो मैं कहाँ और किस तरीके से यूज़ करूँगी ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगी। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड की है 1 लार्ज साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया था। तो ये ट्रांसक्यूलेंट हो चुकी है। अब मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं 4 अदद तेज़पात, 4 अदद हरी इलायची, बड़ी इलायची मैंने 2 अदद शामिल की हैं इसके अंदर। तो मैं इसको बस 1 मिनट तक फ्राई करूंगी। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। और अब मैं इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था उसमें से 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून,
और मसाले को मैं फिर से अच्छी तरीके से भून रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर दही शामिल किया है हाफ कप और मैं इसको दही के साथ पकाऊंगी 1 से 2 मिनट तक। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ मैंने फ्राइड अनियन तैयार की है तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 कप और कुछ प्याज मैं बाद में यूज़ करूंगी। तो टमाटर मैंने मोटे मोटे स्लाइस कर लिए थे 3 अदद, उन्हें मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊंगी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें 7 अदद। तो मैं इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी 2 से 3 मिनट तक। तब जो मैंने चिकन तैयार की थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो जो मैंने चिकन तैयार की थी उसमें से हाफ को मैंने पैन के अंदर ही रहने दिया है और हाफ को मैंने सेपरेट कर दिया है। मैंने 1 kg राइस लिए थे, उन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, तो हाफ राइस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और स्पून की हेल्प से मैं इस तरीके से स्पीड कर रही हूँ ताकि इवन हो जाए। तो जो मैंने सेपरेट की हुई चिकन थी वो इसके ऊपर डाल दी है दोबारा से, और जो मेरे पास राइस बचे हुए थे वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं इस तरीके से। तो जो मैंने चिकन तैयार की थी इसका ऑयल और थोड़ा सा मसाला बचा था तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। हाफ टी स्पून फूड कलर को मैंने थोड़े से पानी में डिसॉल्व कर लिया था तो वो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से डाल दिया है। तो जो फ्राइड अनियन मेरे पास बची हुई थी वो मैंने डाल दी है इसके ऊपर से। 1 बंच मैंने पुदीना लिया था तो वो मैंने डाल दिया है इसके ऊपर। 1/2 बंच हरा धनिया मैंने इसके ऊपर काट के डाल दिया है। तो मैंने इसे कवर कर दिया है और बिरयानी को मैं 10 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। अब मैंने इसे कवर हटा दिया है तो ये हमारी मज़ेदार सी स्पेशल बारबेक्यू बिरयानी तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से दिखने में इतनी मज़े की है तो ये खाने में तो और भी ज़्यादा लजीज और ज़ायकेदार होगी। तब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मैंने आज आपके साथ शेयर की है एक और ईद स्पेशल रेसिपी। तो इस ईद पर मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों को भी खिलाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा और इस ईद को मज़ीद स्पेशल बनाएं इस स्पेशल बारबेक्यू बिरयानी के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।